वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोरिंग फॉर यू। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई कुक मूंग दाल खिचड़ी। एंड इट्स वेरी इजी टू मेक, इट्स वेरी यमी और घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छी लगती है, बहुत हेल्दी होती है, बेबीज़ भी इसे लाइक करते हैं। और ये एक कंप्लीट मील है जो कि आप कभी भी वेरी क्विक बना सकते हैं और हेल्दी रेसिपी है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब के बेल बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ आई कुक मूंग दाल खिचड़ी। सो ये वो क्वांटिटी है जो मैं यहाँ ले रही हूँ। ये ग्रीन मूंग दाल है, ये राइस है, ये चॉप्ड जिंजर गार्लिक है, ऑनियन है एंड टोमेटो है। एंड हियर ऑल काइंड ऑफ स्पाइसेस व्हाट आई गोना यूज इन दिस खिचड़ी, लाइक जीरा, राई, मिर्च, क्यूमिन पाउडर एंड गरम मसाला, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, एनी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ स्पाइसेस हियर आई हैव। So let's get started how I cook that khichdi. So ये pressure cooker में मैंने oil add कर दिया है। Oil आप चाहें तो घी से भी इसे fry कर सकते हैं। अब इस oil में मैंने जीरा, राई, हींग, हाफ टी स्पून हींग एड कर दिया है। जब थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे इसे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें ये गार्लिक, जिंजर ऐड करके थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। आप देख सकते हैं रोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसमें ये ऑनियन, चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ। रोस्ट करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। अब हम इसमें ये चॉप टमाटो ऐड कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा मैं यह करी लीव भी ऐड कर रही हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स को भी हम यही इसमें डायरेक्ट अभी ऐड करने से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं थोड़ा अभी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ इसमें। सब चीज़ें एक साथ भुनेंगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो क्वांटिटी है मैंने राइस और मूंग दाल ली है, इनको हम बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ सारे सूखे मसाले इसमें ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें नमक, मैं मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें मिर्च ऐड करें। नमक मैंने डाल दिया है, नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और इनको साथ में एक साथ फिर से थोड़ी देर को भूनेंगे। और खिचड़ी जितनी ही सिंपल बनती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए बहुत
हर तरह के स्पाइसेस भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। खिचड़ी सिंपल ही अच्छी लगती है। सो मैं थोड़ी देर और इसे रोस्ट करूँगी, बाकी फिर बाद में हम इसमें राइस और दाल ऐड करेंगे। सो ये सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं और मैं डायरेक्टली इसमें ये दाल और राइस ऐड करूँगी। मैंने यहाँ धो के रख ली थी, मैंने इसमें ये दाल ऐड कर दी है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में 2 से 3 मिनट के लिए हम बहुत अच्छी तरह से भूंजेंगे। ओनली फॉर 2 to 3 मिनट्स। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ज़्यादा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सब सारे मसाले, दाल, राइस, सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से कुक हो सकें। तो हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे इसमें। सो आप अपने दाल और राइस के अकॉर्डिंग ही पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस तरह का राइस और दाल लिया था, मैंने इसमें ये 2 बॉल्स मैंने पानी के ऐड किए हैं। अब इसे आप इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम एक चम्मच 1 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे प्रेशर कुक होने रख देंगे और 5 से 6 सीटी में या 4 से 5 सीटी जब हो जाए इसकी, तब हम इसको बंद कर देंगे। आप ये देख सकते हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम में मैंने इसे रखा है। हम इसकी 4 से 5 सीटियाँ लेंगे। पाँच से छः विसल लेने के बाद ये प्रेशर डाउन हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए, खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे कर्ड, बटर मिल्क, चटनी, पिकल, जिसके भी साथ चाहे आप उसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मील है और इसे कहा ही जाता है, जैसे आपने सुना ही होगा, खिचड़ी के 4 फ्रेंड्स, 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार। सो उसके साथ आप इसे एंजॉय करिए। बहुत हेल्दी मील है ये, बच्चों को भी पसंद आती है, घर के बड़ों को भी पसंद आती है। वेरी इजी टू मेक है, इजी टू कुक है, क्विक बनने वाली रेसिपी है और सबसे मेन हेल्दी बहुत है। आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, आप इसे जब चाहे तब बना के खा सकते हैं। तो ये था आज के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मैं काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव भी करूँगी। जो भी गलतियाँ हैं उसे इम्प्रूव करूँगी ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस में वो और बेहतर देखने मिले। और सब्सक्राइब बेल को प्लीज़ प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। So that's it for today. I will meet you in my upcoming videos. Till then, bye-bye. Take care. See ya.